कितनी रोशनी है। माया एक छोटी मधुमक्खी थी, कुछ दिनों पहले ही जन्मी हुई। मिसेस कैसेंड्रा उसका ख्याल रखती थी दूसरे छोटी मधुमक्खियों के साथ। माया प्लीज ध्यान दो, ये जरूरी है। अपनी स्टिंग तभी इस्तेमाल करो जब जरूरत हो। ये कितना स्वादिष्ट है माया। हाँ? जब तुम बाहर जाओगी तो मकड़ी के जालों से बचना और उनमें फंस मत जाना। मैं अपनी बहनों के साथ बाहर कब जा सकती हूँ? आखिरकार माया को बाहर जाने का मौका मिला उसकी बहनों के साथ शहद इकट्ठा करने के लिए। ये कितना मजेदार है। पास ही रहो माया, तुम ज्यादा ऊपर मत उड़ना। लेकिन ये दुनिया कितनी अच्छी है, मुझे सब कुछ देखना है। वाह, देखो वो क्या है। धीरे माया, एक वक्त पर एक ही सवाल। पर मुझे सब अभी जानना है। वाह। सुनो माया, तुम्हें बस सही फूल ढूंढने की जरूरत है। तुम्हें उन सारे फूलों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, उनसे तुम्हें शहद नहीं मिलेगा। माया, ज्यादा सवाल मत पूछो, बस तुम हमारे साथ उड़ती रहो। ठीक है। हे, रुको मेरे लिए। माया को जैसा कहा गया था वो वैसा करने की कोशिश कर रही थी, पर उसका ध्यान फूलों पर चमकती ओस की बूंदों से भटक गया और वो पीछे छूट गई। ओह, कितना सुंदर है। आउच। हाँ? ओह, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था यहाँ कोई है। तुम्हारी नींद खराब हो गई। कोई बात नहीं, मैं बस आराम कर रहा था। तुम अंदर आकर मेरा घर देखना चाहोगी? शुक्रिया। ये कौन सा फूल है? इस फूल को गुलाब कहते हैं। गुलाब, ये कितना सुंदर है। कुछ देर बाद माया ने खुद को एक तालाब के ऊपर उड़ते हुए पाया, और जैसे ही उसने नीचे देखा तो उसके जैसी दिखने वाली मधुमक्खी देखकर चौंक गई। हेलो, मैं माया हूँ, तुमसे मिलकर खुशी हुई। कोशिश मत करो बच्ची, ये बस परछाई है, बिल्कुल आईने की तरह। हाँ, आईना क्या होता है? वो एक चीज है जिसे लोग खुद को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक आईने की परछाई के झांसे में आके उसकी ओर कभी मत उड़ना, नहीं तो तुम उससे टकरा जाओगी। ओह, मैं समझ गई। माया उड़ती रही जब तक वो जंगल तक नहीं पहुंची। बच्चो, मुझे कोई उठाएगा? क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? वो एक डंग बीटल की आवाज थी जिसका नाम गॉट था। ये कौन है? मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ जरूर, मैं क्या कर सकती हूँ? क्या तुम मुझे पलट सकती हो? मुझे नहीं पता मैं ये कर पाऊंगी या नहीं। रुको, मैं समझ गई। इसे पकड़ो और खींचो। ये तुमने कर दिखाया। शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत मदद की। मेरा नाम माया है। शुक्रिया माया, मैं गर्ट हूँ। कोई बात नहीं गर्ट। अंधेरा हो रहा है, शायद मुझे आज रात यहीं सोना चाहिए। चांद को देखकर मुझे हनी ब्रेड की याद आ गई जो कैसेंड्रा बनाती थी। क्या पता वो क्या कर रही होंगी, पर मैं इतनी जल्दी वापस नहीं जा सकती, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। कितनी सुहानी सुबह है। Ha ha!
मूर्ख बच्ची, ये मेरा जाल है और तुम मेरी शिकार। मैं मकड़ी हूँ और मेरे जहर से तुम्हें कमजोर बना दूंगा और तुम्हारा खून पी जाऊंगा। उसी वक्त माया को कैसेंड्रा के शब्द याद आए। काश मैं उनकी बात सुन लेती और ध्यान रखती। उन्होंने मुझे जंगल के खतरों के बारे में बहुत कुछ बताया था। तुम यहीं रहकर मेरे खाना बनने की तैयारी करो। मैं और शिकार ढूंढने जा रहा हूँ और जल्द वापस आऊंगा। क्या यही अंत है? क्या मैं ऐसे ही मरूंगी? माया, क्या ये तुम हो? माया, मैं ही हूँ। अरे नहीं, ये तो तुम्हें मकड़ी ने फंसा दिया है। अब मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की। मैं आसान हूँ, मैं उड़ सकती हूँ। शुक्रिया कर्ट, तुम सबसे अच्छे हो। तुम्हारा मुझ पर एहसान था। तुमने पहले मेरी मदद की, लेकिन अब सावधान रहना और फिर से मत फंस जाना। हाँ, मैं ध्यान रखूंगी। माया ने एक फूल में से मधु पिया ताकत पाने के लिए। ओह हेलो, हाँ मुझे मिल गया। तुम कौन हो? तुमने मुझे डरा ही दिया। मैं हूँ माया मधुमक्खी। मैं हूँ बीटल, महान कवि। क्या तुम मेरी कविता सुनोगी? ठीक है। एक सुंदर बीटल झूल रहा था पेड़ पे, झूल रहा था पेड़ पे। कैसी लगी मेरी कविता? वैसे अच्छी थी, पर मुझे कविताओं के बारे में ज्यादा नहीं पता। मैं जब तुमसे मिला था तभी मैं समझ गया था कि तुम बहुत अच्छी हो और सच्ची कला को पहचानती हो। क्या? अगर तुम मुझे समझ नहीं पाती तो मैं रोने लगता। ओ नहीं, प्लीज रोना मत। मैं उन ना समझ लोगों के लिए दुखी हूँ जिन्हें मेरी कला की पहचान नहीं है। मुझे नई प्रेरणा मिली है। अलविदा, फिर मिलेंगे। ये कैसा अजीब बादल है, क्या इसके अंदर कुछ है? मुझे जाने दो। मेरे पास रानी के लिए एक तोहफा है। छोड़ो मुझे, बचाओ, बचाओ। इस छोटी मधुमक्खी को रानी के लिए नाश्ते में दो। जी सर। माया डरी हुई और सो नहीं पा रही थी। रात के बीच में ही उसने बाहर पहरेदारों को बात करते हुए सुना। अभी सो जा, कल हम लोगों को मधुमक्खी के छत्ते पर कब्जा करना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कल तो मधुमक्खी की दावत होगी। क्या वो हमारे छत्ते के बारे में बात कर रहे थे? अरे नहीं। माया को पता था कि उसे कुछ तो करना ही होगा। मैं यहाँ बैठकर ये होने नहीं दे सकती, मुझे रानी को बताना ही होगा। थोड़ी और कोशिश, थोड़ी और, बस थोड़ी और कोशिश, थोड़ी और कोशिश। माया कोशिश करती रही जब वो टूट नहीं गया। मैं आजाद हूँ। रानी साहिबा, हम खतरे में हैं। क्या खतरे में? कौन है बेटा, बोलो बेटा। हम सब खतरे में हैं। क्या चल रहा है? रानी साहिबा, पास में हमारे छत्ते पर कल हमला करने वाला है। क्या तुम्हें यकीन है कि वो वास्प ही है?
जब माया ने पूरी कहानी बताई, रानी ने परिषद बुलाई। अगली सुबह वास्प की सेना छत्ते की ओर बढ़ने लगी। हमला करो, मधुमक्खियों पर हमला करो, हमला, हमला। वो इतने ताकतवर थे कि उन्हें मधुमक्खियों के स्प्रे का असर भी नहीं हुआ। इतनी मधुमक्खियों, तुम्हें लगता है तुम जीत सकते हो? हम जीत गए हैं। मधुमक्खियों ने हार नहीं मानी। वापस चलो सेना, वापस चलो जल्दी। हम जीत गए। हुर्रे, हुर्रे, हुर्रे। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी जीत इस छोटी मधुमक्खी के साहस की वजह से हुई। अगर माया ने अपनी जान पर खेलकर हमें चेतावनी नहीं दी होती तो हम नहीं जीत पाते। माया के लिए 3 चीयर्स। हुर्रे, हुर्रे, हुर्रे। माया बड़ी होकर रानी की सलाहकार बन गई। उसने रानी की मदद की मधुमक्खियों पर राज करने में और छत्ते को दुश्मनों से